आखिरकार भोपाल से बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को दिग्विजय सिंह के सामने मैदान में उतार दिया है और मैदान में उतरते ही उन पर आरोपों की बौछार भी हो गई है, कांग्रेसी खेमे से हो या फिर फिल्मी दुनिया से। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान मौजूद है इस पर बात करने के लिए। काफी देर नहीं हो गया आपको लगता है साध्वी प्रज्ञा का नाम ऐलान करने में? देर नहीं हुई, उचित समय पर योग्य प्रत्याशी उतारा है। लेकिन दिग्विजय सिंह इतने दिनों में तो कई मंदिर घुमाए, कई लोगों से मिलाए, कई आयोजनों में वो चले गए, आपको लगता है प्रचार में वो कहीं आगे निकल चुके हैं कांग्रेस का बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान अभी तत्काल प्रारंभ हो रहा है और दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति को हराने के लिए कोई बहुत पहले कैंडिडेट देने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं वो। उन्होंने मध्य प्रदेश की जो दुर्गति की थी जनता उसे भूली नहीं है और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी सरकार रहते हुए, केंद्र में यूपीए की सरकार रहते हुए हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश की गई, भगवा आतंक नाम दिया गया और भगवा आतंक के नाम पर मैं ये कहूं कि भगवा और आतंक का कोई संबंध नहीं है। ये जो विचार है कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति वसुधैव कुटुंबकम्, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, इसका आतंक से क्या लेना देना? आतंक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक नारी को, भारत में जिस नारी का सर्वोच्च स्थान होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, निरपराध जेल भेजा गया, यातनाएं दी गई, झूठे आरोप लगाए गए और वो सारे आरोप निराधार सिद्ध हुए और अदालत से उनको बरी किया गया। तो क्या ये जो बात जो आपने अभी कही ये चुनाव प्रचार के दौरान भी सामने रखी जाएगी? क्या इसके जरिए कांग्रेस पर या दिग्विजय सिंह पर जो प्रत्याशियों पर हमला किया जाएगा? देखिए, सबका साथ सबका विकास, विकास जनता का कल्याण, भोपाल का विकास, लेकिन एक नारी को बिना किसी अपराध के कानून का दुरुपयोग करके प्रताड़ित किया गया, ये मुद्दा होगा। आतंकवाद की बात भगवे से जोड़ के कही गई, मुद्दा होगा। और इसलिए सत्ता का दुरुपयोग करके किसी विचार को बदनाम करने की जो साजिश की गई उस पर भी बात करेंगे। साध्वी को जैसे ही ऐलान किया गया, उनको टिकट दिया गया बीजेपी से, कई लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर सामने आ गए हैं और उन पर अब आरोप लगा रहे हैं, स्वरा भास्कर हो या फिर जावेद अख्तर हो, ये तमाम लोग। मैंने किसी की टिप्पणियां नहीं देखी है, लेकिन जो आरोपी जिनको जबरदस्ती झूठे अपराधों में, झूठे आरोपों में बनाया गया, अब मुझे नहीं समझ में आता इसका कोई औचित्य। आपका भी नाम खूब चल रहा था कि भोपाल से दिग्विजय सिंह के सामने शिवराज सिंह चौहान होंगे, बड़ी टक्कर देंगे। देखिए, मैंने पहले दिन ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता दिग्विजय जी को परास्त करेगा। जहां तक मेरा सवाल था, आपको ध्यान होगा, जिस दिन सरकार नहीं बनी मैंने ये कहा था मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि अब यहां सरकार नहीं बनी तो चलो दिल्ली जाए और वहां बंगले में जाके बैठ जाए। मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा मिशन है मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और ये सरकार जो गड़बड़ कर रही है, अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, उसका विरोध करना। कब बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके मुताबिक? अरे जनता से ही बनाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत की है और जो तमाम आरोप साध्वी पर लगाए जा रहे हैं उस पर अपना पक्ष रखा है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।